और ये कौन सी दोस्तों, कंपनी के लिए? जब मैं ये हमारे गांव से इधर इधर मैं कुरुक्षेत्र आ रहा था, तो एक बस में मुझे एक तो ये मिला, एक मुझे ये मिले हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं, के बोले अग्री ना, ये एयरबड्स जो भी कान। राम राम भाई, सारे ने और भाई सब ठीक हो? और भाई हम भी ठीक हैं बाबा की दया से। आज है शनिवार और आज एक खास किसी विशेष रूप पे कहीं पे अभी जा रहे हैं। फिलहाल भाई नहा धोकर तैयार है, पहले से भी नहाने से पहले मैंने अपना घर का पूरा किया काम, झाड़ू निकाली और पोछा लगाया और अब हो गए हम रेडी। और अब जाना है कहीं हमने को बाहर, और अब हम निकल रहे हैं घर से, तो हम मिलते हैं या तो हम रास्ते मिलेंगे या हम वहां मिलेंगे जहां हमको जाना है। तो बने रहना इस चैनल के साथ, और भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई की सपोर्ट के लिए आगे आओ। ये कमरे की भी मैंने LED बंद कर दिया, वाईफाई मेरा चालू है, कोई भाई यूज करना चाहता है तो यूज कर सकता है। और मिलते हैं आपको अभी रास्ते में, और या फिर जहां पे जाना वहां, तो बाय बाय। घर की लाइट चालू छोड़ दी भाई, क्योंकि 2-3 दिन में आवाएंगे, तो भी फिलहाल निकला घर से। ओ, घर से बस स्टैंड के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, 500 मीटर की दूरी पर बस से। यहाँ से हमारे बस स्टैंड से और दूसरे बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो तो मिलता है, पर 1 घंटा खड़ा रहने के बाद मिलता है, इसलिए बाइकों का सहारा लेना पड़ता है, तब हम दूसरे बस स्टैंड पर जाते हैं जहाँ पर मेन रोड होता है। और दोस्तों, हमारे बस स्टैंड पर वाटिका भी खुल गई है गाँव में, जो विवाह शादी में जो बहुत आजकल लोग यूज करते हैं। दोस्तों, ये रोड भी 152 हमारे गांव से निकला है, जो जयपुर से चंडीगढ़ की यात्रा को आरामदायक बनाता है, और ये 6 लाइन रोड है, इसका यूज जरूर करना, चंडीगढ़ जाना है तो जयपुर से। जैसा थाम खड़े हो सारी मतलब बना दी, पर तो वहाँ पर हमारे गांव के 3 दोस्त मुझे मिल गए, क्योंकि उनका एग्जाम था MDU में रोहतक, तो उनका 2 बजे से पेपर था और 5 बजे तक उनका पेपर चलने वाला, तो वो भी बस के इंतजार में खड़े थे। फिर मुझे तो बस मिल गई थी प्राइवेट, तो मैं बस में बैठ कर मैं पहुँच गया रोहतक। दोस्तों, ये जो पेंटिंग है ये अपने बारे में बहुत कुछ कहना चाहती है, एक इनको समझो और अपने जीवन को सफल बनाओ, पेड़ पौधों की रक्षा करो। हम पहुंच गए करणवीर दानी यानी करनाल। तो दोस्तों, आखिर हम अपनी मंजिल पहुंच गए कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, जहाँ पे कौरव पांडव के द्वारा धर्म पर युद्ध हुआ था, और श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो दोस्तों, बस स्टैंड से मैंने ऑटो लिया, जो किराया लगा मेरा 20 रुपया, और रास्ते में देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्टूडेंट गुरुजी के साथ लाइन से चल रहे थे। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया बर्मा सरोवर पर, और मैं वहां पे पहुंचा तब तक टाइम हो गया था 5:30 बजे का, तो मैं लेट काफ़ी हो गया था। Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright.
तो भी दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मेला 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा, तो अपने परिवार के साथ जरूर पहुंचे, उस मेला का लाभ जरूर उठाए और जरूर आए। तो अभी फिलहाल पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मेला लग रहा है बहुत जोरदार का, और कुछ यहाँ शाम के 6 बजे। तो भाई आज का इस ब्लॉग में बस इतना ही, कल पावागढ़ ब्लॉग ब्लॉग बहुत लंबा बना, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो और दोस्तों जब मैं ये हमारे गांव से इधर मैं कुरुक्षेत्र आ रहा था, तो एक बस में मुझे एक तो ये मिला, आप पढ़ सकते हो, लघु वन पौध संघ मध्य प्रदेश। और जिस भाई का ये कैंपर है वो भाई मुझसे कांटेक्ट कर ले, मेरा गांव रानीला और चरखी दादरी से हूँ मैं, तो जिस भाई का हो वो ये मुझसे ले जाए। और एक चीज़ और मिली है, और एक मुझे ये मिले हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं, केबल एग्री ना, ये एयरबड्स जो भी कान में लगा के सुनाया करे, पर भाई इसमें एक तो उसका कान में लग गया रह गया, एक इसके अंदर रह गया, पर यो भी बात चलता है कौन, चेक करके देखा, फिर भी बात जिस भाई का हो ना तो भाई ज़रूर ले कर चले जाए भाई, अपना गांव हरानीला और चरखी दादरी और हरियाणा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दूँगा, तो भाई जिसका भी है ये ज़रूर ले कर जाना भाई। ये मुझे रात को मतलब मिला था, पर रात को ध्यान नहीं रहा, तो अभी मैं याद आई तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया, तो भाई ज़रूर ले जाए। ये एक ना चला तो भाई जिसका है तो पक्का लेके जाए इसको, ठीक है, बाय बाय है।